राग बसंत हिंडौल महला चौथा घर दूसरा। मन खिन खिन परम परम बहुतावे तिल कर नहीं वासा पाई। सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप गुरु नानक साहब के घर के उपदेश के बारे में हर पहलू को बड़ी अच्छी तरह से खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर मिनट मिनट क्षण क्षण बाहर रचना की ओर दौड़ रहा है। ये क्षण मात्र भी यहाँ आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक ये आंखों के पीछे नहीं टिकता, ये ब्रह्म त्रिकुटी अपने टिकाने पर कैसे पहुँच सकता है? जब तक मन ही अपने टिकाने पर नहीं पहुँचता, आत्मा इसके पंजे से आज़ाद कैसे हो सकती है? हम अपने आप को पहचानने के काबिल किस तरह बन सकते हैं? वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे बन सकते हैं? आपके समझाने का भाव है कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर हमारी देह के अंदर है। जिसको भी मिला है अपने अंदर मिला है, जिसको भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा है, गुरमुख होवे सो काया खोजे होर सब परम पुलाई। जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के भगत और प्यारे हैं, वह हमेशा अपने शरीर के अंदर जाकर ही परमात्मा की खोज भक्ति और पूजा करते हैं। बाकी दुनिया के सब जीव वहमों और भ्रमों में फंसकर यहीं दिन रात भटकते रहते हैं। अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें अपने अंदर दिखाई क्यों नहीं देता? वह इसलिए नहीं दिखाई देता कि हमारे और परमात्मा के दरमियान मन की रुकावट है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन जीते जग जीत। भाई, अगर तू मन को जीत लेगा तो तू दुनिया के बनाने वाले को भी जीत लेगा। ये अपना मन ही तो है जो 24 घंटे सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। किस तरह लोग एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, हमारा मन करवा रहा है। जब तक हम मन पर हावी नहीं होते, मन को निर्मल या पवित्र नहीं करते, तब तक बेशक वह परमात्मा हम सब के अंदर है, हम अपने अंदर कभी उसे पा नहीं सकते। मन को निर्मल करने का क्या भाव है? जिस तरह आत्मा परमात्मा का अंश है, उसी तरह मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, वह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। विषयों वकारों शराबों कबाबों में फंसकर अपने आप को भूल बैठा है, अपने असल को खो बैठा है। मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना कभी इसको अपने आप का पता चलता है और ना ही अपने असल का पता चलता है। आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन के अधीन होकर अति गंदी अति मैली हो चुकी है। आप देखें, बादलों के अंदर पानी कितना साफ सुथरा होता है, वही पानी जब बरसात बनकर ज़मीन पर गिरता है तो कितनी मैल इकट्ठी कर लेता है, गंदगी का रूप ही बन जाता है, उसमें से बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब उसको सूरज की तपश और गर्मी मिलती है, वह बुखारात बनकर गंदगी को छोड़ता है, तब उसको होश आ जाता है कि मैं कोई और चीज़ हूँ, गंदगी कोई और चीज़ है। मैं यूं ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जब वह अपने आप को गंदगी से अलग महसूस करता है, तब उसको पता चलता है कि मेरा असल बादल हैं। वह एकदम सीधा जाकर बादलों में ही समा जाता है। यही हम सब की आत्मा की हालत है। ये उस परमात्मा की अंश है, लेकिन मन के अधीन होकर अति गंदी हो चुकी है, अति मैली हो चुकी है। जब तक ये मन का साथ नहीं छोड़ती, ना इसको अपने आप की समझ आती है, ना अपने असल का पता चलता है। इसलिए गुरु साहब ने कहा था, सो जन निर्मल
जिन आप पछाता, वही लोग निर्मल हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हमारे अंदर जो रूह और मन की जगह है वह आँखों के पीछे है। आँखों के पीछे से ख्याल उतरकर इन नौ द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। जो भी इंद्री चाहती है हमारे मन को खींचकर अपने घाट पर ले जाती है। जब तक ये मन आँखों के पीछे नहीं टिकता, आप सोचें ये अपने घर वापस जाकर निवास किस तरह प्राप्त कर सकता है और आत्मा अपने घर वापस जाकर निवास किस तरह पा सकती है। दुनिया के हम सब जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को वश करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, सरोवरों में जाकर स्नान करते हैं, कभी जोश में आकर बेटे बेटियों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, कोई जिस्म पर बबूत लगा लेता है, कोई कान चिरवा लेता है। ये सब साधन सब तरीके हम केवल मन को ही वश में करने के लिए करते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सप पिड़ाई पाइये बिक अंतर मन रोस, कि जबरदस्ती हट कर्मों के द्वारा अपने ख्याल को दुनिया में से निकालना इसी तरह है जिस तरह आप किसी सांप को घेर कर पिटारी में बंद कर देते हैं। जब तक सांप पिटारी में बंद है हम उसके डंक और जहर से ज़रूर बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सांप को पिटारी में से निकलने का मौका मिलेगा वह डंक जरूर मारेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। सांप को पिटारी के अंदर बंद करके हम निडर नहीं हो सकते। हमें फिर भी खतरा रहेगा कि वह किसी भी समय पिटारी में से निकलकर वह डंक मार सकता है। अगर किसी सांप को पकड़कर उसकी जहर की थैली ही निकाल दें तो वह सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे सारा दिन उसको गले में डालकर फिरते रहें। हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाकर सत्संग सुनकर ये सोच लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है, लेकिन वही इच्छाएं तृष्णाएं सबके अंदर दबी रहती हैं। जब मन का जोर चलता है वह फिर हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है, बल्कि हमारी हालत आम इंसानों से भी बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। जितना हम किसी चीज़ को दबाते हैं उतनी ही वह जोर मारती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम मन को हट कर्मों के जरिए ज़बरदस्ती दुनिया में से निकाल नहीं सकोगे, थोड़ा बहुत आरजी आराम मिल जाएगा। अगर मन को हमेशा के लिए वश में करना चाहते हो तो सबसे पहले मन के स्वभाव के बारे में सोच और विचार करो। हम देखते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। हम एक चीज़ को प्यार करते हैं, अगर उससे कोई अच्छी चीज़ दिखाई दे तो पहली को छोड़कर दूसरी चीज़ की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया का कोई भी मोह, दुनिया का प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए लेकर खड़ा नहीं हो सकता। वह शक्लें और पदार्थ जिनको अपना बनाने के लिए कभी हम जिंदगी तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा समय आता है जब हमारा मन उनसे नफरत करनी शुरू कर देता है। आप देखें बचपन में माता पिता से कितना प्यार होता है, फिर यारों दोस्तों से प्यार हो जाता है, बड़े होते हैं शादी होती है, पत्नी बाल बच्चों से प्यार हो जाता है। एक प्यार है कितने रूप बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को दुनिया में से नहीं निकाल सकता। इसलिए महात्मा कहते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको संसार के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया का मोह या प्यार छोड़ने को कभी तैयार नहीं होता। अगर कोई कौड़ियाँ मांगता फिरता है, आप उसकी एक भी कौड़ी लेने की कोशिश करें, वह मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन 10 रुपये का नोट उसके हाथ में दे दें तो कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाती है। जिनको हीरे जवाहरात मिल जाएं, वह फिर कौड़ियों के लिए दर बदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है जिसे पाकर हमारा मन दुनिया के मोह, दुनिया के प्यार या इंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है। गुरु साहब आगे मिसाल देकर बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। गुर अंकस शब्द दारू सिर तारो कर मंदर आन वसाई
आप बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि देखो हाथी कितना ताकतवर जानवर है, आसानी से किसी के काबू में नहीं आता, हर चीज को पैरों के नीचे रौंदता चला जाता है। इतनी ताकत वाले हाथी को महावत किस तरीके और युक्ति से काबू में करते हैं, उनके पास लोहे का अंकुश होता है, वह उससे हाथी को इतना काबू में कर लेते हैं कि उसको चाहे बच्चों के स्कूल में ले जाएं या बाजारों में ले जाएं, हाथी की ताकत नहीं कि किसी को बुरी नज़र से देख सके। गुरु साहब कहते हैं कि हमारा मन भी कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन विषयों वकारों शराबों कबाबों में फंस कर अपने आप को खो बैठा है, अपने असल को भूल बैठा है। जब तक हम मन को इंद्रियों के भोगों से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया की लज्जत छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वह किस चीज़ की लज्जत है? वह शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है, जिसके साथ हमारा ख्याल गुरुमुखों के जरिए जुड़ता है, साधु संतों और महात्माओं के जरिए जुड़ता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुर का शब्द महारस मीठा। वह शब्द जिसके साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उस शब्द की लज्जत बहुत ही मीठी है। उसको महारस मीठा क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी जो बेटे बेटियों का, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों का, शराबों कबाबों की लज्जतों का, धन दौलत का प्यार मीठा लगता है, वह प्यार फीका लगना शुरू हो जाता है। जिसको मीठी चीज़ मिल जाए, उसका फिर फीकी चीज़ की तरफ ध्यान कैसे जा सकता है? गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। इसलिए आपने कहा था, नाम मिले मन तृप्तिय, बिन नाम में त्रिग जीवास। हमारा मन जो दिन रात विषय विकारों में फंसकर भटकता और तड़पता फिरता है, जब इसको अमृत से भरा हुआ नाम अंदर मिल जाएगा, तो इसके अंदर तृप्ति आ जाएगी, शांति आ जाएगी। अगर इस देह में बैठकर हमने उस अमृत को नहीं पिया, तो हमारा देह में आने का कोई मकसद ही नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मन को निर्मल या पवित्र करना चाहते हो, तो एक ही तरीका है कि इसको शब्द या नाम के साथ जोड़ो। गुरु नानक साहब ने कहा था, राम नाम मन बेदया अवर कै करी विचार। ये मन जो विषय वकारों में फंसकर हिरन की तरह भटकता फिरता है, जब अंदर राम नाम से जुड़ जाएगा, तो वह बिंद जाएगा, काबू में आ जाएगा और वापस अपने ठिकाने पहुंच जाएगा। गुरु नानक साहब समझाते हैं कि राम नाम से मेरा मतलब कोई लफ्ज़ नहीं है। आप फरमाते हैं, शब्द सुरत सुख उपजे प्रभ रातो सुखसार। राम नाम से ख्याल जोड़ने का मतलब अंदर सुरत को शब्द से जोड़ना है। जब सुरत को शब्द से जोड़ोगे, तुम मालिक की भक्ति के रंग में रंग जाओगे। तुम्हारे मन पर अभी जो दुनिया के सैर रंग तमाशों के रंग चढ़े हुए हैं, ये सब उतर जाएंगे, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। नाम की कमाई करने से आत्मा और मन की गांठ खुल जाएगी, तुम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाओगे, परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाओगे। गुरुघर की वाणी है, शब्द साध जाने ता आप पछाणे। अगर शब्द की लज्जत को हासिल करोगे, तो तुम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाओगे। फिर समझाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गातमित तिन ही पाई। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, मालिक से मिलने का असली तरीका उन्हीं गुरुमुखों को हासिल होता है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम मन को निर्मल और पवित्र करना चाहते हो, तो गुरुमुखों के जरिए मन को शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। गुरु साहब किस शब्द की महिमा करते हैं? जिस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है, जिस शब्द के आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। जिस दिन परमात्मा दुनिया में से उस शब्द को निकाल लेगा, यहाँ परले महापरले हो जाएगी। हजूर समझाया करते थे कि जब परमात्मा सृष्टि में से शब्द को निकाल लेता है, तब पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को हवा उड़ाती है और हवा को आकाश खा जाता है, सारी दुनिया में धुंधुकार छा जाता है। हम उस शब्द की खोज करना चाहते हैं, उस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश,
शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे नानक शब्द कटे कट आछे। वह शब्द जिसने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, यहाँ तक कि सारी सृष्टि की रचना की है, उस शब्द की खोज करो, उस शब्द को पकड़ो। वह शब्द कहाँ है? घटे घट, मतलब वह शब्द सबके अंदर धुनकारें दे रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिलेता वेखा। ये जो हमारा शरीर है, ये 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है, हाड़ चाम मांस का ही नहीं बना हुआ, इसके अंदर परमात्मा ने बेशुमार चीज़ें और भंडार रखे हुए हैं। बल्कि खुद परमात्मा भी इस शरीर के अंदर बैठ गया है और उसने अपने तक पहुंचने का रास्ता भी इसी शरीर के अंदर रखा हुआ है। इस रास्ते का पता किस तरह चलता है? गुरमुख साच मिलेता वेखा। कोई मालिक का सच्चा भगत मिल जाए, प्यारा मिल जाए और वह साधन समझा दे, तरीका समझा दे, वह क्या समझाएगा? 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया, कि हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों के ऊपर है। आँखों के ऊपर इस नुक्ते को आपने पहली तुक में तिल कहा है। गुरु साहब ने उस नुक्ते को कई जगह घर दर कहा है, कई जगह मुक्ति का दरवाज़ा कहा है और कई जगह आप उसको 10वां कहते हैं। ऋषियों मुनियों ने उस नुक्ते को दिव्य चक्षु कहा है, शिव नेत्र कहा है। हज़रत ईसा ने उसको थर्ड आई या सिंगल आई कहा है। मुसलमान फ़कीरों ने उसको नुक्ताए सफ़ेदा कहकर याद किया है। आप समझाते हैं कि 9 द्वारों में से ख्याल को निकाल कर दोनों आँखों के ऊपर और दरमियान में इकट्ठा करो, ये तुम्हारे घर का दरवाज़ा है। जब तक तुम्हें अपने घर का दरवाज़ा ही नहीं मिलेगा, तुम घर के अंदर किस तरह दाखिल हो सकोगे? जिस घर के अंदर हमें जाना है, जहाँ परमात्मा रहता है, उस घर का दरवाज़ा परमात्मा ने आँखों के पीछे लगाया हुआ है। ये मुक्ति का दरवाज़ा है। आँखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं। हमें अपने फैले हुए ख्याल को शरीर के 9 द्वारों में से समेट कर दोनों आँखों के बीच के नुक्ते पर इकट्ठा करना है। इस नुक्ते की क्या निशानी है? गुरु साहब कहते हैं, अनहद शब्द बजावणिया। उस नुक्ते पर सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो परमात्मा की दरगाह से आती है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मज़हब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई या मुसलमान होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा, वह उस शब्द की आवाज़ को भी सुनना शुरू कर देगा, शब्द के प्रकाश को भी देखना शुरू कर देगा। गुरु साहब की वाणी में शब्द के प्रकाश का भी जिक्र आता है, शब्द की धुनकार धुनों का भी जिक्र आता है। इसलिए गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योत सबाई, तत् गुरमत काढ़ लई जाय। वह राम नाम की ज्योति सबके अंदर जल रही है। वह ज्योति जलती तो सबके अंदर है, लेकिन जब तक गुरमुखों की मत पर नहीं चलते, उस ज्योति की समझ नहीं आती, उस ज्योति का ज्ञान नहीं होता और ना ही वह ज्योति दिखाई देती है। गुरमुखों की मत क्या है? आप फरमाते हैं, 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुई जाए। गुरमुखों की ये मत है कि आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लस्तें हैं। वह जगह जहां अमृत बस रहा है, हमारी आंखों के पीछे है। जब तक उस नुक्ते पर कोई ख्याल को इकट्ठा ही नहीं करता, जहां वह दाता दाद दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, वह ज्योति जल रही है और वह अमृत बरस रहा है, हम उस ज्योति को कैसे देख सकते हैं? अपने अंदर उस अमृत को पी कैसे सकते हैं? हमें उस आवाज़ के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है और उस प्रकाश और आवाज़ के ज़रिए अंदर रूहानी सफ़र तय करना है और फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुँच जाना है। गुरु नानक साहब ने कहा था, अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिबलाई। आप सबकी आँखों के पीछे यहाँ ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी की आवाज़ उठ रही है। अगर आप अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करेंगे, उस वाणी की आवाज़ को सुनेंगे, साचे साहेब स्यों लिबलाई, आपका इस झूठी रचना से झूठा मोह या प्यार निकल जाएगा।
उस सच्चे परमात्मा के साथ सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, गुर शब्दी सच्ची लिव लाए। गुरमुखों के जरिए जब शब्द की कमाई करते हैं तो हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को महात्माओं ने निरत कहा है, सुनने की शक्ति को महात्माओं ने सुरत कहा है। आंखों के पीछे आकर सुरत शब्द की धुनकार धुनों को सुनती है, उस नाद को पकड़ती है और निरत उस ज्योति को देखती है, उस प्रकाश को देखती है। उस नाद या आवाज के जरिए हमें अपने घर का रुख कायम करना है, प्रकाश के जरिए अंदर अपना रूहानी सफर तय करना है। जब तक उस घर का दरवाजा नहीं मिलता और धुनकार धुनों को नहीं पकड़ते, ज्योति के दर्शन नहीं करते, हमारा मन भ्रम त्रिकुटी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता और हमारे मन और आत्मा की गांठ कभी खुल नहीं सकती। जब हम मन और माया के दायरे से निकलकर दसवें द्वार में जाकर अंदर शब्द का नूर या प्रकाश देखते हैं तो यही असली दिवाली है। बाहर की दिवाली तो अंदर की दिवाली का इशारा है। ये जो आत्मा है ये मन का साथ लेकर इंद्रियों के भोगों में फंसी हुई है। आत्मा गुरुमुखों की दया मेहर बख्शिश के जरिए ही मन के पंजे से छुटकारा प्राप्त कर सकती है और मन और माया के दायरे से पार जा सकती है। वहां जाकर ये हमेशा कायम रहने वाले प्रकाश को देखना शुरू कर देती है, दिवाली मनाना शुरू कर देती है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटे चौथे पद लिव लाई। गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर तुम्हारा त्रिकुटी यानी काल के दायरे से छुटकारा हो जाएगा और तुम दयाल के देश में पहुंच जाओगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत दिवाली नित करें सत लोक के माहें, कि संत महात्मा तो हर रोज अंदर दिवाली मनाते हैं। ये बाहर की दिवाली तो ऋषियों मुनियों ने हमारी सच्ची रूहानियत को समझाने के लिए बताई थी, लेकिन इसकी तय या गहराई में जो रूहानियत छिपी हुई है उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ गुरु साहब प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर तुम मन को वश में करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि इसको शब्द की लज्जत दो, नाम की लज्जत दो। वह लज्जत इतनी मीठी है, ऊंची और पवित्र है कि उसको पाकर तुम्हारा मन अपने आप ही इंद्रियों के भोगों, विषय वकारों, शराबों कबाबों से निकल जाएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सच्चे नाम के साथ ख्याल जोड़ने से हमारा मन सच्चा और निर्मल हो जाता है, हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है और हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। आप कहते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा था ए पाई। जब शब्द के अंदर मर जाते हैं, अपने आप को शब्द के अंदर जज़्ब कर देते हैं, लवलीन कर देते हैं, तब कहीं जाकर हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र होती है और परमात्मा से मिलने के काबिल बनती है। इसलिए महात्मा हमारे ख्याल को उस शब्द और नाम से जोड़ते हैं। ग्रंथों पोथियों में उस शब्द या नाम की महिमा लिखी हुई है। उनको पढ़ने से शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और ढंग आ जाता है, साधन का पता चल जाता है। लेकिन ग्रंथों पोथियों को पढ़ने से मन निर्मल नहीं होता। जिस शब्द या नाम की महिमा पढ़ते हैं उस शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ने पर ही मन निर्मल और पवित्र होगा। सत्संग सुनने, कीर्तन सुनने, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों के चक्कर काटने से मन निर्मल नहीं होता। जिस चीज़ के गुण वहाँ बताए जाते हैं, जिस चीज़ के बारे में वहाँ समझाया जाता है, उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़कर ही हम मन को निर्मल कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। इसलिए गुरु साहब यहाँ मिसाल देते हैं कि जिस तरह इतने ताकत वाले हाथी को महावत, अकलमंदी और युक्ति से वश में कर लेते हैं, इसी तरह मन जो ब्रह्म की अंश है, बड़ा ज़बरदस्त है, ताकतवर है, हम गुरुमुखों के पास जाकर उसको शब्द के साथ जोड़कर निर्मल कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, या यूं कहें कि वश में कर सकते हैं। गोविंद जियो सत संगत मेल हर ते आइए, गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याइए। गुरु साहब ने उपदेश किया था
कि परमात्मा हमारे शरीर हमारी देह के अंदर है, मन की हमारे रास्ते में रुकावट है और मन हट कर्मों द्वारा जबरदस्ती कभी वश में नहीं आता। ये जब भी निर्मल और पवित्र होगा सिर्फ शब्द की लज्जत हासिल करके, सुरत शब्द का अभ्यास करके। मन में ख्याल आता है कि ये सुरत शब्द का अभ्यास करने के लिए या शब्द या नाम की कमाई करने के लिए क्या काम बदलनी पड़ेगी, मज़हब बदलना पड़ेगा या देश छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ेगा या खास तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, कोई खास रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा। गुरु साहब कहते हैं कि इस काम के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस माहौल या वातावरण की ज़रूरत है जहाँ हमारे अंदर कोई मालिक के मिलने का शौक और प्यार पैदा करे, कोई नाम की महिमा करे, नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझाए। वह कौन सी जगह है? वह गुरुमुखों की संगत है, साधु संतों महात्माओं की सोबत है। हमारा मन संगत का बहुत जल्दी असर लेता है। गुरु रामदास जी ने कहा था, साकत सूत बहु गुरजी परया, क्यों कर तांत नीजय, तंत सूत किछ निकसे नाहीं, साकत संग न की जय। कि भाई, उलझे हुए सूत में से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगत में रहकर तेरा ख्याल कभी मालक की भक्ति की ओर नहीं जा सकेगा। अगर तू भक्ति करना चाहता है तो गुरुमुखों की संगत कर, साधु संतों महात्माओं की संगत कर। वहां जाकर हम जन्म जन्म के सोए हुए होश में आ जाते हैं, जाग पड़ते हैं। ये मन जो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकता और तड़पता फिरता था, इसके अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा हो जाता है, मालिक से मिलने की विरह और तड़प पैदा हो जाती है। हम जो बाहरमुखी साधनों में भटकते फिरते थे, उनकी तरफ से हमारा ध्यान निकलकर अंदर शब्द या नाम की कमाई की ओर लग जाता है। गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, दोनों के बीच में रुकावट किस चीज़ की है और उस रुकावट को हमें किस तरह अपने रास्ते से दूर करना है। हर चीज़ की जो समझ है महात्मा की संगत में जाकर ही आती है। लेकिन गुरु नानक साहब सत्संग उसको नहीं कहते जहां एक मज़हब दूसरे मज़हब की निंदा करता है, जहां एक दूसरे की चुगली की जाती है या जहां राजाओं महाराजाओं की कथा कहानियां सुनाई जाती हैं। महात्मा के सत्संग में कभी किसी की निंदा नहीं होती, किसी की चुगली नहीं होती। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के अनुसार परमात्मा की भक्ति ना करे तो हम उसको डंडे लेकर मारना शुरू कर दें, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दें। हमें तो उसे प्यार से समझाना है कि भाई, इस रास्ते पर चलकर हमको ये फ़ायदा हुआ है, अगर तेरी समझ में आता है तू भी इस रास्ते पर चलकर ये फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखाणी है। कि भाई, सत्संग वह जगह है जहाँ केवल एक शब्द एक नाम का प्रचार किया जाता है। महात्मा के सत्संग में जाकर कभी नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फायदा होता है। अगर हम अपनी कमज़ोरियों के कारण महात्मा के कहने के अनुसार नाम की कमाई नहीं भी करते तो कम से कम पापों और बुरे कर्मों से तो बचे ही रहते हैं। आप देखें कि अगर एक अंधा फूलों के बाग में चला जाए तो वह अगर फूलों की खूबसूरती को नहीं देख सकता तब भी फूलों की थोड़ी बहुत सुगंध तो उसको आ ही जाती है। सत्संग में कभी किसी को घाटा नहीं उठाना पड़ता, इसलिए महात्मा सत्संग पर जोर देते हैं। वैसे तो वह ही तीन चार बातें हैं, किसी भी महात्मा का शब्द ले लें, उन्हीं तीन चार बातों को हमेशा दोहराया जाता है। मगर मन को ठोकर लगती रहे, हमें कोई समझाता रहे, तभी विषय विकारों शराबों कुबाबों की तरफ से हमारा ध्यान निकलकर शब्द या नाम की कमाई की ओर लगता है। इसलिए गुरु साहब हमारी ओर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें अपने भक्तों और प्यारों की संगत दे ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की ओर हमारा ध्यान जाए। हौं मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाइए। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर नाम की कमाई करने से हमें क्या फायदा होता है? गुरु साहब कहते हैं, हमें रोग गया सुख पाया,
कि ये जितने भी दुख और मुसीबतें हम देह में बैठकर भोग रहे हैं ये हौमे के कारण हैं, माया के मोह या प्यार के कारण हैं, मैं मेरी के कारण हैं। हम कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी जायदाद है। जिसको सारा दिन मेरा मेरा करते फिरते हैं ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आज तक कभी किसी के न बने हैं न बन ही सकते हैं। लेकिन ये जो इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं वह कोशिश हमें इनके मोह इनके प्यार में फंसा देती है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि हमें रात को सपने भी इनके ही आते हैं। मौत के वक़्त उनकी ही शक्लें सिनेमे के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आशा तहां बासा, जहां आखिरी वक़्त हमारा ख्याल होता है हम उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। हौमे के कारण ही हम जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। आप देख लें कि देह के अंदर बैठकर जिसको भी अपना समझते हैं उससे दुख ही मिलता है। अपनी पत्नी के सिर में दर्द भी हो जाए कितना दुख महसूस करते हैं। सारी सारी रात नींद नहीं आती, पर पड़ोसियों के यहाँ चाहे कितने ही जनाजे निकल जाएं, हमारे मन पर सफ़ेदी जितना असर नहीं होता। कभी किसी कौम को अपना समझकर दुख भोग रहे हैं, कभी किसी मज़हब को अपना मानकर दुख भोग रहे हैं, कभी किसी मुल्क को अपना समझकर दुख भोग रहे हैं, किसी को अपनी दौलत समझकर, किसी को अपने बच्चे समझकर दुख उठा रहे हैं। ये भूले बैठे हैं कि जिनको हम अपना कहते हैं इनके साथ लेने देने का संबंध है गर्जों का प्यार है। ना आज तक कोई किसी के साथ हमेशा रहा है, ना कभी किसी के साथ कोई हमेशा के लिए रह सकता है। जब अपना शरीर ही अपना नहीं बनता तो दुनिया की कौन सी चीज़ अपनी बन सकती है। शरीर के अंग तो जीते जी ही हमें जवाब देते जा रहे हैं, फिर इस रचना में से कौन सी चीज़ को हम अपना बना सकेंगे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं हौमे रोग गया सुख पाया। जब तक तुम शब्द या नाम की कमाई करके हौमे की बीमारी को अपने अंदर से निकाल नहीं देते तुम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इकठाए। हौमे और नाम की दुश्मनी है, ये कभी एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। जहाँ नाम आ जाता है वहाँ हौमे नहीं रहता। गुरु नानक साहब कहते हैं नानक हौमे रोग बुरे, जहें देखा तहें एका बेदन, आपे बख्शे शब्द तुरे। हौमे की बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। गुरु साहब जिस और भी नज़र डालते हैं आपको दुनिया का हर जीव एक ही बीमारी में फंसा हुआ दिखाई देता है। वह कौन सी बीमारी है? वह हौमे की बीमारी है, मैं मेरी की बीमारी है। इससे छुटकारा किस तरह होता है? गुरु अंगद साहब फरमाते हैं हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहें, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहें। अगर वह दाता हम पर कहीं कृपा कर दे, दया मेहर बख्शिश कर दे, गुरमुखों की संगत मिल जाए, हम शब्द या नाम की कमाई करें तो इस हौमे की बीमारी से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा था बिन शब्दे हौमे किन मारी, कि भाई शब्द या नाम की कमाई के बिना तेरा इस दुनिया से मोह या प्यार कैसे निकल सकेगा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि जब गुरुमुखों के सत्संग में जाकर शब्द या नाम की कमाई करेंगे ये हौमे की बीमारी दूर हो जाएगी, हमें सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी, हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, हमें सुख का सांस आना शुरू हो जाता है। असली सुख और शांति तो अपने घर पहुंचकर ही मिल सकती है। आपने समझाया था जिन्नी कर जाता अपना से सुखिय पाई, जो अपने घर पहुँच जाएंगे वह हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेंगे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम हौमे की बीमारी को अपने अंदर से निकालना चाहते हो तो गुरुमुखों के सत्संग में जाओ और उनके कहने के अनुसार शब्द की कमाई करो। कर रतन लाल बहु माणक लादे, मन पर में आ लेना सकाईए। अब आप समझाते हैं कर रतन लाल बहु माणक ला दे,
कि परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर बहुत कीमती नाम के खजाने रखे हुए हैं, लेकिन मन परमिया ले न सकाई है। हमारा मन भ्रमों में फंसा हुआ है, वहमों में फंसा हुआ है। ये शरीर के अंदर जाकर खोज ही नहीं करता, ये उन खजानों को प्राप्त कैसे कर सकता है? मन किन वहमों में फंस जाता है? हम सोच लेते हैं कि तीर्थ यात्रा कर लें, मन निर्मल हो जाएगा, सरोवरों में स्नान कर लें, जन्म जन्म के पाप उतर जाएंगे, ग्रंथों पोथियों को पढ़ लें, पढ़वा लें, मन निर्मल हो जाएगा, या पूजा पाठ दान पुण्य कर लें, इनसे मन निर्मल हो जाएगा। पर गुरु साहब कहते हैं कि इन बाहरमुखी साधनों के द्वारा कभी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता। मन जब भी निर्मल होता है, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके होता है। आप फरमाते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर बट पागी नामे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दड़ाए। सतगुर पुरुषों की संगत में आना अमृत के सरोवर में स्नान करना है, लेकिन कौन उस सरोवर में स्नान करते हैं? वडपागी, बहुत ऊंचे भाग्य वाले, श्रेष्ठ कर्मों वाले जीव करते हैं। उनको इसका क्या फायदा मिलता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दड़ाए। सत्संग में जाकर नाम की कमाई करने से उनके मन का जन्म जन्म का मैल दूर हो जाता है, आत्मा निर्मल होकर मालिक से मिलने के काबिल बन जाती है। गुरमुख तो हमेशा सुरत शब्द के अभ्यास का प्रचार करते हैं, शब्द या नाम की कमाई करने का प्रचार करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनके उपदेश से कोसों दूर चले जाते हैं। कभी उनकी खड़ाओं को माथा टेकना शुरू कर देते हैं, कभी ग्रंथों पोथियों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, कभी सरोवरों में जाकर स्नान करना शुरू कर देते हैं, कभी बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छुपने को ही मन को निर्मल करने का साधन समझ लेते हैं। लेकिन जो उनका संदेश और उपदेश है कि जो कुछ मिलना है वह शब्द की कमाई, नाम की कमाई से मिलना है, हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। हमारा मन किस तरह निर्मल हो सकता है? इन वहमों और भ्रमों में से कौन हमारे ख्याल को निकालता है? गुरु साहब आगे इशारा करते हैं। जो ओ डाकूप गुहज खिन काड त्यों सत गुर वस्त लहाई। बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि पुरानी आबादियों के नीचे बने बनाए कुएं मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं। हम उन जमीनों पर चलते फिरते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इस जगह बना बनाया कुआं मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ओड वह सज्जन हैं जो अपने इल्म और हुनर से हमें समझाते हैं कि इस जगह जमीन की खुदाई करो तो तुम्हें बना बनाया कुआं मिल जाएगा। ओड लोग कुआं बनाकर मिट्टी के नीचे दबाकर हमें खबर करने नहीं आते, उन्हें इसका इल्म और जानकारी होती है, जिसका फायदा उठाकर हम उस कुएं का पानी पीना शुरू कर देते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता शब्दे खोवे। जो शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़कर खुद मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, वह हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें मुक्ति प्राप्त करने के काबिल बना देते हैं। वह परमात्मा और उसका नाम जरूर हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहरमुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में फंसे बैठे हैं। वह सत्संग के द्वारा हमारे ख्याल को इनकी ओर से निकाल कर हमें अपने अंदर उस अमृत को पीने का तरीका बता देते हैं, उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करने का साधन समझा देते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि वह गुरमुख हमारे ख्याल को इन वहमों से, भ्रमों से, संकल्पों से, बाहरमुखी साधनों से निकालकर अंदर शब्द के साथ जोड़ देते हैं, नाम के साथ जोड़ते हैं। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई। जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौड़ी बदले जाइए।
गुरु साहब फरमाते हैं कि हमें ये जो इंसान का जामा परमात्मा ने बख्शा है, ये उस मालिक की अति दया मेहर और बख्शिश है। उसने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने अंदर ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें। अगर इंसान के जामे का कोई लाभ है तो वह मालिक की भक्ति, मालिक से मिलाप है। लेकिन आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव कौड़ियों के बदले इसको व्यर्थ गवा रहे हैं। मालिक ने हीरे जवाहरातों का व्यापार करने का मौका दिया है, हम घोंगे और सीप इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। इस जामे से फायदा किस तरह उठा सकते हैं? गुरमुखों की संगत और सोबत में जाकर शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। इसलिए आप समझाते हैं कि अगर कोई इंसान का जामा पाकर किसी ऐसे गुरमुख की संगत नहीं करता, गुरमुखों के कहने के अनुसार अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, तो उसका इंसान का जामा प्राप्त करने का फायदा क्या है? जिस तरह बाकी योनियों में आकर हम ऐशो इशरत करके चले जाते हैं, उसी तरह अब खोटे कर्म और पाप करके यहाँ से चले जाएंगे। आपके समझाने का भाव है कि इस मौके से सबको पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कर, कृपा गुरु मिलाइए। गुरु नानक साहब के घर में केवल चार चीजों की महिमा की जाती है। सबसे पहले आप नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि नाम के जरिए ही सारी सृष्टि की रचना हुई है और नाम की कमाई करके ही हमारी आत्मा निर्मल हो सकती है। नाम की कमाई के द्वारा ही हम मालिक के मिलने के काबिल हो सकते हैं, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम नाम की कमाई जब भी करेंगे गुरुमुखों के जरिए ही कर सकेंगे, साधु संतों महात्माओं के जरिए ही कर सकेंगे। इसलिए दूसरे गुरु साहब सतगुरु की महिमा करते हैं, मालिक के भक्तों और प्यारों की महिमा करते हैं। उन गुरुमुखों का असली स्वरूप शब्द या नाम ही होता है। वह सतनाम समुन्द्र की लहरें होते हैं, वह उस शब्द या नाम में से आते हैं, शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और हमें साथ लेकर वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। तीसरे गुरु साहब सत्संग की महिमा करते हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही संत महात्मा हमारे ख्याल को बाहरमुखी साधनों, वहमों और भ्रमों या दुनिया के ऐशो इशरत से निकाल कर हमारे अंदर नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। तीनों चीज़ों के बारे में गुरु साहब पीछे जिक्र करके आए हैं। चौथे महात्मा मालिक की दया मेहर और बख्शिश की महिमा करते हैं, क्योंकि उसकी बख्शिश के बिना किसी का ख्याल ही मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर साचे पावे सा पूजा होवे, कि भाई परमात्मा को भाएगा, उसको मंजूर होगा, तभी तू उसकी भक्ति कर सकेगा। अंधे की ताकत नहीं कि कभी आँखों वाले को वो पकड़ सके। जब तक कि आँखों वाला उस पर दया करके उसको अपने पास नहीं बुलाता या उसकी उंगली पकड़कर अंधेरे से बाहर नहीं निकालता। हम इस माया के जाल में फंसकर बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों में फंसकर अति अंधे हो चुके हैं। वह मालिक ही हम पर दया मेहर करे, तभी हमें कहीं होश आए, हम जन्मों जन्मों के सोए हुए जागें और हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लगे। वह मालिक तो सचखंड में बैठा हुआ है, हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। वह इतना ऊँचा और निर्मल है, हम इतने नीचे और मैले हैं, फिर वह हम पर दया किस तरह करता है? आप फरमाते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। जब वह परमात्मा हम पर दया करता है, जब हमें अपनी भक्ति और प्यार में लगाना चाहता है, तो वह हमें गुरुमुखों की संगत दे देता है, साधु संतों और महात्माओं की सोबत दे देता है। वह गुरुमुख हमारी सुरत को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं तो इस रचना से हमारा मोह और प्यार निकल जाता है, मालिक के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। आप कहते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए। जो कुछ करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब भी वह हमें यहाँ से निकालना चाहता है
तो गुरुमुखों के जरिए हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देता है, नाम के साथ जोड़ देता है। फिर कहते हैं, जिसनू दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई। जिस पर मालिक दया करता है उसको ही उसकी भक्ति मिलती है। यहाँ किसी की चतुराई, किसी की अकलमंदी काम नहीं आती। इसलिए गुरु साहब तीनों चीजों की महिमा करके अब मालिक की ओर आते हैं कि हे परमात्मा, तू ही दया मेहर और बख्शिश करे, तभी हम तेरी भक्ति कर सकेंगे। और जब तू बख्शिश करता है, हमें गुरुमुखों की संगत प्राप्त हो जाती है, साधु संतों और महात्माओं की संगत प्राप्त हो जाती है, और हम शब्द की कमाई में लग जाते हैं। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाइए। जो खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव साधु संतों और महात्माओं के पास जाकर हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं, उनको निर्वाण पद, मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। हरि के गुण गाने से मतलब है कि हम शब्द की कमाई में लग जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। कि भाई, गोविंद गोविंद कहने से तुझे कभी गोविंद नहीं मिलेगा। गोविंद के गुण गाने का मतलब अंदर शब्द को पकड़ना है, नाम को सुनना है। गुरु साहब के कहने का भाव है कि जो लोग मालिक की दया मेहर और बख्शिश के जरिए गुरुमुखों के पास आकर शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, वह भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मत जीव हैं। उनको ये निर्वाण पद, मुक्ति का पद प्राप्त हो जाता है। वह मालिक के साथ मिलकर मालिक का रूप हो जाते हैं। वह हमेशा के लिए देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से आज़ाद हो जाते हैं। उनको सच्चा सुख मिल जाता है, सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है। उनका इंसान का जामा हासिल करने का मकसद पूरा हो जाता है। गुरु साहब ने हर पहलू से इस छोटे से शब्द में अपने उपदेश के बारे में खोलकर समझाया है। हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को वहमों भरमों संकल्पों में से निकालकर अंदर सच्चे शब्द के साथ जोड़ें, सच्चे नाम के साथ जोड़ें, ताकि हमारा भी मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाइए।